हेलो फ्रेंड, आज मैं सहजन का नाश्ता बनाऊंगी। मैं इसे सहजन को छील लिया है और इसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। अब मैं कुकर में डाली हूँ, इसमें 1 कप पानी डालें। मैं इसमें 3-4 सीटी लगाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तब तक मैं 1 प्याज, लहसुन, अदरक इन सभी को अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, चॉप हो चुका है। मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। ये सहजन भी पक चुका है। मैं इसे छन्नी में निकालूंगी अभी। मैं इसका बीज निकाल रही हूँ। बीज बिल्कुल मुलायम है दोस्तों, मैं इसे फेंकूंगी नहीं और ना मैं इसे पीसूंगी। मैं अभी डंठल में से भी गुद्दी निकाल लूंगी। ये देखिए, मैंने सारे सहजन से गुद्दी निकाल लिया। अब इसमें देसी घी डाली हूँ, नमक, तीखी वाली मिर्च, हल्दी, थोड़ा गरम मसाला और जीरा का पाउडर है, चाट मसाला, ये प्याज, अदरक, लहसुन, हरा धनिया। अब मैं इसे मिलाऊंगी दोस्तों। अब इस घोल में थोड़ा थोड़ा आटा डालूंगी। मैं अलग से पानी नहीं डालूंगी इसमें। ये देखिए, आटा गूंथ चुका है। मैंने इसे सॉफ्ट गूंथा है। अब इसका छोटा छोटा पेड़ा बनाऊंगी। अब इसे बेल ले दोस्तों। ये हल्का मोटा ही अच्छा लगता है। ये देखिए, मैंने इतना मोटा रखा है इसे। अब इसे गरम तवे पे डालें। और इसे उलट पलट कर गुलाबी करना है। आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसे छोटे बड़े सभी पसंद करते हैं दोस्तों। आप इसे चाय, चटनी, चाहे किसी के साथ भी खाएं, बहुत टेस्टी लगेगा। ये शुगर के मरीज के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं इसे गुलाबी करूंगी। गैस को मीडियम रखें। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल गुलाबी हो गया, करारा।
एक बार इस तरह से जरूर बनाएं दोस्तों, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। और हमें बताएं कैसा टेस्ट लगता है खाने में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक बार जरूरी से बनाकर खाएं दोस्तों और बताएं कैसा बनता है। धन्यवाद।